गाइस वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। मैं हूँ मुदिता और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इस टॉपिक को आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, बट इस टॉपिक को आपको समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स पे, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ब्रैकेट पीरियड्स। ओके, तो हम साइंस में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो आप पढ़ोगे एमसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक आया कहाँ से, मैं इस टॉपिक को अभी क्यों करवा रही हूँ। सो गाइस, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा जब हम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे चैप्टर, कि मैम ये जो पीरियड्स होता है ये एक्सक्रेशन का पार्ट है क्या, हम अपनी बॉडी से क्या वेस्ट निकालते हैं हर महीने। तो ये क्वेश्चन अगर स्टूडेंट के दिमाग में आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया होगा। सो उस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। एक बच्चे ने बोला कि मैम जैसे हम यूरिनेशन करते हैं, यूरिन को पास आउट करते हैं, तो इस तरीके से क्या जो पीरियड्स होता है वो भी बॉडी का वेस्ट है जिसे हम हर महीने निकाल रहे हैं। तो उसका आंसर है नो। क्यों नो? देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया कि रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, तो हर चीज़ में मेल के लिए और फीमेल के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। मेल भी खाना खा रहा है, फीमेल भी खाना खा रहा है, मेल भी वॉशरूम जा रहा है, फीमेल भी वॉशरूम जा रहा है, यूरिनेशन इसमें भी हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, सारा प्रोसेस सेम हो रहा है। तो केवल ये वाला प्रोसेस केवल फीमेल में क्यों हो रहा है? अगर ये आपका ऐसा होता कि बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं तो दोनों में होना चाहिए था। केवल फीमेल में क्यों हो रहा है? अगर केवल फीमेल में हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग के लिए तो सारे प्रोसेस सेम है ना, तो अगर केवल फीमेल में हो रहा है तो ये ऐसा एक्सक्रीशन का पार्ट नहीं है, आप बॉडी से वेस्ट को बाहर आउट नहीं कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि ये होता कब क्या है और कैसे स्टार्ट होता है। स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में ये स्टार्ट होता है। प्यूबर्टी एज वो होती है जब आप स्टार्ट होते हो, ग्रोइंग टीनेजर होते हो, ठीक है। और इस ये सबके लिए अलग अलग होता है। तो प्यूबर्टी एज हम मानते हैं कि 12 टू 16 के बीच में ये स्टार्ट होता है। तो किसी के लिए हो सकता है एज ऑफ 12, ठीक है, अब हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, एज ऑफ 12 13 14, 12 से 16 साल के बीच में प्यूबर्टी एज में वही एज होती है जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कों की शेविंग आने लगती है, लड़कियों की बॉडी चेंज होती है। तो जो प्यूबर्टी एज होता है उस टाइम पे स्टार्ट होता है। एंड कब होता है? एंड होता है 50 प्लस में, एज 50-55 के बीच में ये जो होता है रुक जाता है, बंद हो जाता है। अभी हम समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। रिपीट इन 28 डेज, हर 28 डेज में ये साइकिल रिपीट होता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? साइकिल है। ये एक साइकिल होता है, एक प्रोसेस होता है जो हर 28 डेज में वापस यहीं पे आ जाते हैं, और हर 28 डेज में ये रिपीट होता है, इसलिए ये हर मंथ होता है। तो हम दो चीज़ें समझ गए कि ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में, ख़त्म होता है मतलब बंद हो जाता है मेंस्ट्रुअल होना या पीरियड्स होना 50 या 55 की एज में, ठीक है। वो भी हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, जैसे स्टार्टिंग हर इंसान के लिए अलग होता है 12 13 14 16, ठीक है, और हर मंथ यानी 28 डेज में रिपीट होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाई इट हैपन्ड एवरी मंथ, ये हर महीने में क्यों होता है। सो इसके लिए गाइस आपको ये डायग्राम समझना होगा, देखना होगा, और इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझना होगा इन साइंस फॉर्म, साइंस की फॉर्म में इस चीज़ को समझना होगा। तो ये जो डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम है, जो आपको चैप्टर 8 में क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है, जिससे आप रिलेट कर पाए। तो देखिए, ये जो होता है यहाँ पे आपका, ये और ये हमारी क्या है? ओवरी है। फीमेल्स में दो ओवरी होती हैं, 1 एंड 2, दो ओवरी होती हैं। ये जो पाइप है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये एक ट्यूब होती है जो ओवरी से यहाँ तक कनेक्ट होती है, यूट्रस तक कनेक्ट होती है, ये हमारी वेजीना है। अब देखिए गाइस, क्या होता है, ये जो ओवरी है, दो ओवरी हैं, इसके अंदर ओवम होता है, ठीक है, अंडा होता है, आप समझ सकते हैं ओवम या एग होते हैं। अब हर महीने क्या होता है, इसमें से एक एग निकल के यहाँ पे आता है, और ये एग कैसे आते हैं? अल्टरनेट डेज पे। दो ओवरी हैं, ओवरी 1 ओवरी 2, अब अल्टरनेट मंथ में एक एक में से ओवम निकल के यहाँ पे आएगा। जैसे कि जनवरी है, जनवरी में इसमें से आया,
फिर फरवरी में क्या होगा, इसमें से आएगा, फिर मार्च में इसमें से आएगा, अप्रैल में इसमें से आएगा, ऐसे अल्टरनेट मंथ्स में एक एक में से ओवम या एग निकल कर आता है। ये क्या होती है, ओवरी के अंदर बहुत सारे अनमेच्योर एग होते हैं, ठीक है, अंडे होते हैं जो अल्टरनेट मंथ पे निकल कर यहाँ पर आते हैं। ओके, अब इसका पीरियड से क्या रिलेशन है तो इसको समझ लेते हैं। क्या होता है गाइस, ये डिपेंड करता है, ये रिलेट करता है, इसके लिए आपको प्रेगनेंसी को समझना होगा। चलिए समझते हैं क्या होता है। जब जब भी इसके अंदर एग आता है, जब इसके अंदर एग आता है, ठीक है, तो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम 8 चैप्टर में भी पढ़ेंगे। जब इसके अंदर एग आता है और उसी टाइम अगर स्पर्म आ जाता है, उसी टाइम पे जब यहाँ पे ओवम आया हुआ है, एग आया हुआ है, उसी टाइम पे अगर स्पर्म आ जाता है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जायगॉट बना लेता है। जायगॉट क्या है, जायगॉट वो सेल होता है जिसमें मेल और फीमेल यानी ओवम और स्पर्म मिले होते हैं, और इसी से आगे चल के बेबी फॉर्म होता है, यानी बेबी बनता है, बच्चा बनता है। और वो जो बच्चा है वो हमारा रहेगा यूट्रस में, ठीक है, इस तरीके का शेप होता है, इसके अंदर जो है बेबी रहेगा। अब बेबी को जो ग्रोथ के लिए नरिशमेंट मिलता है वो सारा इसके अंदर एक लेयर होती है, उस लेयर से मिलता है। ठीक है, जो बच्चा है उसको नरिशमेंट चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होगा, ग्लूकोज चाहिए होगा, ब्लड चाहिए होगा, तो वो सारा नरिशमेंट बच्चे को इस लेयर से मिलता है, इस परत से मिलता है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे स्पर्म है तो ये बेबी बन गया और बच्चे को सारा नरिशमेंट मिलेगा, पोषण होगा, वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया तो क्या होगा, तब ये जो एग आया है वो तो वेस्ट हो गया, तो अब इस एग का कोई काम नहीं है क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म तो मिला ही नहीं। तो अब क्या होगा, तब ये जो लेयर बनी है वो लेयर क्या होती है, वो लेयर कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ब्लीड फॉर्म में, और वो वॉश आउट होके निकल जाती है। तो आपको ये समझना होगा हर मंथ क्या होता है कि यहाँ पे अंदर जो लेयर होती है, ठीक है, जो लेयर होती है उसको प्रिपेयर किया जाता है, हर महीने पोषण दिया जाता है, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है, हमारी जो बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे अच्छे ब्लड सप्लाई होती है, नए सेल्स बनते हैं, नए टिश्यूज़ बनते हैं। क्यों, क्योंकि हर महीने ये समझा जाता है कि यहाँ पे पोषण के लिए तैयार किया जाता है, कि यहाँ पे मतलब एक बेबी आएगा उसके लिए पूरा फॉर्म किया जाता है, हर महीने एक नया घर की तरह। तो यहाँ पे एक नई लेयर, नई परत बन जाती है, स्पॉन्जी परत बन जाती है, उसमें बहुत अच्छा ऑक्सीजन, बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई, नए टिश्यूज, नए सेल ग्रो करके एक पूरा कवरिंग तैयार की जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें ओवम आता है और ओवम को पकड़ने के लिए जैसे ही ये स्ट्रेच होता है तो देखता है यहाँ पे स्पर्म तो है ही नहीं, फर्टिलाइज्ड एग है तो है ही नहीं, तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाती है। अब जो ये लेयर है, परत है, इतना समझ लो कि आपके यहाँ पे एक परत होती है, लेयर होती है, और वो लेयर तभी उसका काम है जब उसके अंदर जायगॉट बनेगा। लेकिन जब उसके अंदर जायगॉट बना ही नहीं तो उसका कोई काम नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट होके, वॉश आउट होके, और वो निकल जाता है, हर महीने बाहर निकल जाता है। तो ये कोई बुरा नहीं है, अगर ये काम नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, आगे प्रजनन ही नहीं होगा, कोई बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फीमेल होल्ड ही नहीं कर पाएगी, बच्चे को सारा पोषण इस लेयर से मिल रहा है, इस परत से मिल रहा है, और जब ये परत बेबी नहीं है तो ये परत टूट के निकल जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो सोचिए अगर ये परत ना हो तो क्या बेबी ग्रो कर पाएगा, फीमेल होल्ड कर पाएगी, कोई भी फीमेल होल्ड नहीं कर पाएगी, और बेबी जो है वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा, रह ही नहीं पाएगा उसको नरिशमेंट। आप जब 9th मंथ तक यहाँ पे रहते हैं तो आपको ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई सब कुछ कनेक्ट होता है माँ के थ्रू, और वो यही इस लेयर से, इस परत से ही खाना पीना ऑक्सीजन सब कुछ मिलता है। तो अगर ये लेयर ही ना हो तो पूरा जो ये अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नई जो पीढ़ी है वो आएगी ही नहीं। ठीक है, और सोचिए ये जो कैपेबिलिटी है वो केवल फीमेल को क्यों दी गई है, ये जो प्रोसेस है तो मेल के अंदर भी डाला जा सकता था, लेकिन फीमेल को क्यों दिया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा कैपेबल हैं, वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सोचिए ये साइकिल 28 डेज में रिपीट हो रहा है, तो हर महीने उन्हें ये पेन सहना होता है, क्योंकि वो ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ के लिए कि वो आगे बेबी को बॉर्न कर सके। ठीक है, तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक लेयर प्रिपेयर होती है, ठीक है, एक लेयर प्रिपेयर होती है, और वो लेयर
केयर का काम होता है, नरिशमेंट देना बच्चे को, पोषण देना। कहते हैं ना, माँ जो होती है बच्चे को खून से सींचती है, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल बच्चे के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो वो सच में खून से सींचती है। तो अगर ये लेयर जब काम नहीं होता तो ये कन्वर्ट होती है ब्लड में, और ये वॉश आउट करके जो नए सेल बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, और इसके साथ जो ओवम होता है, जो यहाँ से ओवम आया है, उस ओवम का भी कोई काम नहीं है, तो वो ओवम भी ब्लड बन के निकल जाएगा और ये लेयर भी ब्रेक बन के निकल जाएगी। फिर अगले महीने इसी तरीके से तैयार होगा, नया ओवम आएगा, नई लेयर तैयार होगी, फिर काम नहीं होगा, फिर निकल जाएगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि ये कैसे होता है। और इसका भी कॉन्सेप्ट का अगर जो हम बात करें तो 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है, 7, 7, 14, 21, 28। तो 7 डेज में तो क्या होता है, वो लेयर पूरा कन्वर्ट होके बाहर निकलती है, फिर अगले 14 डेज में उसका क्लीनिंग होता है, दोबारा से धीरे धीरे लेयर बनना स्टार्ट होती है, फिर बाकी के जो 7 डेज होते हैं उसमें बिल्कुल अच्छे से स्पॉन्जी लेयर पूरी तैयार हो जाती है, और उसके बाद फिर अगर उसको फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर वॉश आउट करके वो निकलना शुरू हो जाती है। इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होता है 28 दिन में। अब इसका आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये वाले पार्ट को वेजीना बोलते हैं, इसको सर्विक्स बोलते हैं, इसको यूट्रस बोलते हैं, ये ओवरी है, दो ओवरी होती हैं, और ये हमारे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस की। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ, पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेंगे फिर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की। सिम्टम्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल और पेल्विक क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प होता है। क्रैम्प मतलब जैसे कोई चीज़ सिकुड़ रहा है तो दर्द हो रहा है उसकी वजह से। आप उस चीज़ को समझिए, क्रैम्पिंग क्यों होती है यहाँ पे जब ओवम, सॉरी, क्रैम्पिंग क्यों होती है यहाँ पे जब ओवम आता है, यहाँ से निकल के जब यहाँ पे ओवम आया, अब ये दोनों साइड आपस में ऐसे करेगी, थोड़ा सा प्रेस करेगी, लेकिन यहाँ पे ओवम को पकड़ ही नहीं पाए, तो थोड़ा सा क्रैम्प होता है। और साथ में ये जो लेयर है ये कैसी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब सॉलिड से ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कोई चीज़ ब्रेक हो रहा है, परत जो है वो टूट रही है, टूट टूट के वो ब्लीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो पेन तो होगा ही, ठीक है। तो इसकी वजह से क्रैम्पिंग होती है। लोअर बैक पेन, बैक पेन होता है। इसके अलावा थाई पेन, पैरों में जो ऊपर का साइड होता है, थाइज होते हैं, थाइज में पेन होता है, एक्सेस पेन होता है। फूड क्रेविंग, ठीक है, कुछ खाने को मन करता है, कुछ खाने को नहीं करता। मूड स्विंग्स होता है, मूड स्विंग होते हैं, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। इरिटेशन फील होती है, गुस्सा आता है, ठीक है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। बिहेवियर जो होता है थोड़ा चिड़चिड़ा और इरिटेबल हो जाता है, कि इरिटेशन होती है, वो क्यों होता है, क्योंकि आपके हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, ब्रेन से सिग्नल आता है, ठीक है। तो इसमें इंसान की कोई गलती नहीं है, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से मूड स्विंग, गुस्सा आना, इरिटेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम हेडेक होता है, कुछ लोगों को वॉमिट भी फील होता है या वॉमिट होती है। फील लेजी एंड स्लीपी, थोड़ा नींद ज़्यादा आती है जब स्टार्ट होने से पहले, दो दिन पहले या एक दिन पहले या ऑन टाइम, थोड़ा स्लीपी या लेजी मूड होता है, नींद आती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की, कि प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम, एक्सेस पेन। एक्सेस पेन का रीज़न क्या है, रीज़न क्या है एक्सेस पेन का। तो देखिए, पहले के टाइम में अगर हम बात करें, अराउंड 50 to 70 years पहले, बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, 50, 60, 70 साल पहले की बात करें, तो केवल 10 या 20% फीमेल्स ऐसी होती थी जिनको पेन होता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, 2021 की बात करें, 2021 की बात करें, तो अराउंड 70% जो न्यू जनरेशन आ रही है उसको पेन होता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके दो रीज़न हैं। एक तो ये, अगर हम सर्वे करते हैं, एक सर्वे किया गया, उसमें ये पाया गया कि अगर 5 लड़कियों को पकड़ेंगे तो 5 में से 3 के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। ये एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 5 लड़कियों को आप पकड़ोगे, 5 में से 3 के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन ही कम है आपके अंदर, ब्लड ही सही से नहीं बन रहा है, तो आपका बॉडी प्रोसेस कैसे करेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ये तो है प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन की कमी। सॉल्यूशन क्या है कि भाई देखिए, आप लोग मैदा, चाउमीन, बर्गर ये सब बहुत खा रहे हैं, लेकिन आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। हीमोग्लोबिन के लिए आप अनार खाएं, ठीक है, अनार नहीं खा सकते, चुकंदर खाएं, चुकंदर का जूस जिसे बीट रूट कहते हैं, ठीक है, रेड कलर का होता है, उसका जूस पिएं, अनार का जूस पिएं, और कुछ नहीं खा सकते ना तो गुड़ खाएं। गुड़ होता है
घर पे गुड़ खाएं और चना खाएं, इसमें आयरन होता है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन अच्छा है तो पेन जो है वो कम हो जाएगा, बॉडी वेट सही है तो कम होगा। दूसरा रीज़न है फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। पहला था हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरा है फिजिकल वर्कआउट। पहले के टाइम में हम देखेंगे कि सारी चीज़ें हम लोग हाथ से करते थे, मसाला पीसना है हाथ से करते थे, कुएं से पानी निकालना है हाथ से निकाल रहे हैं, बहुत सारा घर का काम, कपड़े मशीन से नहीं धोते थे हाथ से धोते थे। लेकिन अगर आजकल हम देखेंगे तो फिजिकल वर्कआउट बहुत कम हो चुका है। पहले लोग बहुत दूर दूर तक पैदल चलते थे, अभी क्या है थोड़ी सी दूर जाना है रिक्शा ले लेते हैं। कोई भी काम करना है, मसाला पीसना है मिक्सी है, कपड़े धोने हैं वॉशिंग मशीन है, कोई भी काम हम फिजिकल एक्टिविटी से कम करते जा रहे हैं, बहुत कम करते जा रहे हैं। इसलिए जो न्यू जनरेशन है उसे एक्सेस पेन होता है, और जो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के नाम पे हम क्या करते हैं, जीरो, कुछ नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं। तो फिजिकल वर्कआउट नहीं करोगे तो पेन होगा। इसके लिए सॉल्यूशन है कि आप फिजिकल वर्कआउट करो। फिजिकल वर्कआउट ये नहीं है कि आप कुएं से जाके पानी निकालो, लेकिन आप सिंपल योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, और बहुत सारे गूगल कर लो आप, पेन रिलीफिंग पीरियड, पेन रिलीफिंग योगा, बहुत सिंपल बेंडिंग योगा है जिससे आपको सच में रिलीफ मिलेगा और हीमोग्लोबिन को बैलेंस रखो, पेन नहीं होगा। इसके अलावा और भी कर सकते हो, इसके अलावा आपको है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नंबर वन मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन को सही रखो, नंबर टू फिजिकल वर्कआउट करो, नंबर थ्री ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग में क्या करना है, तीन चार जब आपको पेन हो तो लंबी लंबी कम से कम 7-8 गहरी सांस लो, जैसे ऐसे लंबी लंबी सांसें लो। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है कुछ लोगों पे और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। लंबी लंबी गहरी सांस लो और 2-5 से 10 मिनट में आपको रिलीफ मिलेगा, जितनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी फ्रेश उतना ही पेन कम होगा। इसके अलावा फोर्थ है कि आप पानी पी सकते हो गर्म, एक बार में थोड़ा सा जो गुनगुना पानी है, कम से कम आधी बॉटल पानी पी जाओ, एक सांस में पी जाओ और थोड़ा सा गर्म पानी पियो, तो इससे क्या होगा, इससे भी क्रैम्पिंग और पेन में रिलीफ मिलता है। तो ये 4 सॉल्यूशंस हैं जिसे आप लोग अपना सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है इरेगुलर पीरियड्स। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब क्या होता है, देखिए 28 डेज में साइकिल रिपीट हो रही है, यानी कि 28 दिन पे होना चाहिए। इस महीने 1 तारीख को हुआ तो अगले महीने 1 तारीख को, या 1 से 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद हो तो वो चलता है प्लस माइनस, ठीक है, कि 28-29 को ही हो गया या 3-4 को हुआ तो वो चलता है। लेकिन क्या है कि आपकी एक है, अगले महीने 10 को हो रहा है, फिर अगले महीने कभी बहुत पहले हो जा रहा है या बहुत बाद में हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, ठीक है, या फिर क्या है कि 7 डे का पीरियड होता है जिसमें 3-4 डेज ठीक से ब्लीडिंग होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपका क्या है कि 2-3 दिन हो ही नहीं रहा है, 7 डे के बाद में हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं इरेगुलर पीरियड्स के। तो अगर आपके इरेगुलर पीरियड हैं या फिर हैवी पीरियड है, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो अगर ये दोनों प्रॉब्लम है तो आपको सीरियस होना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे बात नहीं करते, हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है कि हम इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, ठीक है, मेल्स इस पे बात ही नहीं करेंगे, और जो फीमेल्स होंगी वो भी अगर मदर है तो वो बस वो बता देगी क्या होता है कैसे, इन प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम है तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम PCOD में कन्वर्ट हो जाती है। PCOD क्या है ये हम किसी अदर वीडियो में बात करेंगे। PCOD आज की बहुत बड़ी समस्या है, हर 10 में से एक फीमेल को PCOD से भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। PCOD क्या है कि अगर इरेगुलर पीरियड, हैवी पीरियड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अभी अभी जैसे कि आप एडोलेसेंट एज में हो, इस एज में शुरू हो गई ऐसी प्रॉब्लम्स, तो आगे चलकर ये कन्वर्ट हो जाती हैं PCOD में। और अगर जो PCOD से सफ़र कर रहा है तो उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, बॉडी का बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने लग जाता है, बोलते हैं लड़की मोटी होती जा रही है, तो लड़की की गलती नहीं है, वो PCOD से सफ़र कर रही है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप ओपनली टॉक करें, क्योंकि जब आप स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो सामने से आके बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि इस टॉपिक में ये हेजिटेशन भरा हुआ है। मेल्स इस पर बात ही नहीं करेंगे, मदर इस पर अवॉइड कर देंगी। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर मदर, टॉक टू डॉक्टर। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो आगे चल के PCOD में कन्वर्ट हो सकती है। और आज के टाइम में ये इतनी बड़ी समस्या है कि अगर आप अपने 10 टीचर से पूछोगे तो उसमें से एक टीचर को PCOD प्रॉब्लम होगा। मैंने अपने आसपास सीनियर्स में बहुत लोगों को देख चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोगों को, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप 11th 12th फर्स्ट ईयर कॉलेज में हैं,
और इस तरह की समस्या है तो उस पर बात करिए और इस चीज़ को शॉर्ट आउट करिए, जिससे आगे चलकर ये PCOD में कन्वर्ट ना करे। PCOD के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आप मेल हैं तो सोचिए कि किसी फीमेल को हर मंथ इस तरह की प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, किस लिए कि हमारा जो जनरेशन है वो आगे बढ़ सके, ठीक है, और इस ईश्वर ने, कुदरत ने कुछ सोच के ही उसे ये पावर दी है। तो अगर आप मेल हैं तो आपको मोरल सपोर्ट देना चाहिए। आप वैसे हेल्प नहीं कर सकते तो मोरल हेल्प कर सकते हो, अपनी हेल्प की, आपकी जो सिस्टर है, आपकी मदर है, या आपकी होने वाली वाइफ हो, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उसे मोरल सपोर्ट दे सकते हैं। मोरल सपोर्ट एज आ कि भाई तुम उसके बदले थोड़ा सा काम कर दो, तुम्हें पता है ऐसी प्रॉब्लम में ऐसे पेन होते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा गर्म पानी दे सकते हो, उसकी काम में हेल्प कर सकते हो, उसे मेडिसिन दे सकते हो, उसके लिए जूस प्रिपेयर कर सकते हो, और साथ में इस तरीके के फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे, पपाया खाएंगे तो भी वो बेनिफिशियल है। तो आप इस तरीके से मोरल सपोर्ट अंडरस्टैंड करें और मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करें। और अगर आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप इस चीज़ पर बात करें, और आपके अगर मेल हैं तो भी अगर आपके आसपास किसी को ऐसी दिक्कत है, इरेगुलर या बहुत सारी इसमें कोई दिक्कत है, तो बात करें कि वो आगे चल के PCOD में कन्वर्ट ना हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।